नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में और हमारे समाज में प्रेम से को लेकर जो घटनाएं घट रही हैं, जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल पर, टीवी पर हम अक्सर ये सुनते रहते हैं और अक्सर हम देखते रहते हैं कि किसी प्रेमी के द्वारा किसी लड़की को के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया या प्रेमी के द्वारा अपने परिवार के माता पिता को मार दिया, और विभिन्न प्रकार के एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का द्वारा ऐसा होता है और प्रेमी के द्वारा भी ऐसा, विभिन्न प्रकार की निगेटिव घटनाएँ घटती हैं। एक दूसरे को मार देते हैं, पीट देते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये जो घटनाएं घटती हैं, तो आजकल वो भी लोग ये कहते हैं कि प्रेमी ने मार दिया, यानी प्रेम को बदनाम इस तरह के हम लोग कर रहे हैं। तो और प्रेम क्या है और प्रेम की ताकत क्या है, तो इस पर बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेम क्या है और प्रेम का रूप क्या है और प्रेम का रंग क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम एक अनुभूत होती है, प्रेम मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है, प्रेम ईश्वर के करीब पहुंचने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। प्रेम के ही रास्ते से हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। प्रेम का जो रंग होता है और रूप जो होता है वो एक ही होता है। एक ही प्रकार का प्रेम आप विभिन्न रिश्तों में करते हैं, जैसे माँ से, भाई से, बहन से, पत्नी से, अन्य जो रिश्ते होते हैं अपने पारिवारिक उनसे, पत्नी अपने पति से ए प्रेम करती है, भाई से प्रेम करती है, बहन से प्रेम करती है, सास ससुर से, देवर से, ननद से प्रेम करती है। तो उस प्रेम का एक ही रूप व रंग होता है, विभिन्न प्रकार का प्रेम नहीं होता। विभिन्न प्रकार का प्रेम अक्सर हम लोग बना लेते हैं। बना कैसे लेते हैं? एक उदाहरण के तौर पर क्या है कि एक सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग में अगर हम विभिन्न प्रकार के पीला रंग सफ़ेद रंग में मिलाएंगे तो वो ना पीला भी नहीं बन पाएगा और सफ़ेद भी नहीं रह जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। अगर लाल कलर हम मिलाते हैं सफ़ेद रंग में तो वो क्या है कि ना लाल रंग कलर रह जाएगा और ना ही वो सफ़ेद कलर रह जाएगा, वो दूसरा कलर बन जाएगा। उसी प्रकार से हमने प्रेम में मिलावट कर दी और प्रेम एक समझ लीजिए सफ़ेद कलर है, यानी सफ़ेद चादर है। सफ़ेद चादर को में हमने दाल धब्बे लगा दिए, विभिन्न प्रकार के यानी मिलावट कर दी। मिलावट क्या कर दी हमने? स्वार्थ को जोड़ दिया उसमें और उसमें हमने वासना को जोड़ दिया। जबकि प्रेम एक अलग सब्जेक्ट है, वासना एक अलग सब्जेक्ट है, जो स्वार्थ है वो तो अलग है ही है। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारा प्रेम विक्षिप्त हो गया है। अगर हम वासना को प्रेम में जोड़ देंगे तो हमारा प्रेम विक्षिप्त हो जाता है। और अक्सर व्यक्ति क्या करता है कि वासना के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो प्रेम में ढूंढने लगता है कि यहाँ से मुझको आंसर मिल जाए। और प्रेम के जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, वो वासना में ढूंढने लगता है। जबकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट का मान लीजिए कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन को अगर हमने साइंस में अगर हम ढूंढने लगे तो वो हमको नहीं मिलेगा और हम परेशान हो जाएंगे। और अगर हमने साइंस का क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में ढूंढने लगे तो हम परेशान हो जाएंगे, वो हमको नहीं मिलेगा। तो हम यही कर रहे हैं प्रेम के भी मामले में, हम अक्सर यही कर रहे हैं कि हम प्रेम का जो क्वेश्चन है वो वासना में ढूंढ रहे हैं और वासना का क्वेश्चन हम प्रेम में ढूंढ रहे हैं। जबकि दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, दोनों की किताबें भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं, वो भी अलग अलग हैं। आप
को अगर उस क्वेश्चन का सब्जेक्ट का क्वेश्चन ढूंढना है तो उसकी किताबें उठाइए, पढ़िए और उसका क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें मिलेगा, वास्तविक ग्रंथों में। प्रेम के संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो प्रेम के जो किताबें होती हैं, प्रेम ग्रंथ होते हैं, उनमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो समस्या तो केवल यही आ रही है ना, एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा समाज में से प्रेम खत्म होता चला जा रहा है, प्रेम मेरा बदनाम होता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को समाज को सुधारना होगा, सबको सुधारना होगा, ताकि अगर हमने प्रेम में ऐसे ही मिलावट करते रहे तो हम ईश्वर के काफ़ी दूर चले जाएंगे और हमारा मोक्ष का जो मार्ग है वो भी मेरा खत्म हो जाएगा। हमें अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मेरी हिस्ट्री में एक रहा कि भगवान राम और सीता का प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम, तो इनका प्रेम देखिए, इनसे आप हम सब लोग सीख सकते हैं। बहुत ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे भगवत गीता है, भगवत गीता में से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरी भगवत गीता अगर किसी ने अगर थोड़ा भी 2% भी या 1% भी समझ ली तो उसका जीवन सुधर जाता है। उसी प्रकार से प्रेम अगर से संबंधित जो भी प्रश्न है चीज़ें, वो कृष्ण और राधा के प्रेम में ढूंढिए, सारे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। राम और सीता के प्रेम में ढूंढिए, सारे क्वेश्चन आपको प्रेम से संबंधित आपको मिल जाएंगे। तो आप ढूंढिए, ढूंढेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। और बहुत दुख होता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और प्राप्त करना भी नहीं चाहते, जबकि मेरे सामने है। मान लीजिए कि एक कहावत है कि भोजन की थाली रखी हुई है लेकिन हम खाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तो हमारे पास, हमारे देश में ज्ञान का भंडार है, विभिन्न कहीं से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी आप जीवन में संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके आंसर आप कहीं से भी दे सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर ढूंढना ही नहीं चाहते, हम ना राम बनना चाहते हैं और ना ही कृष्ण बनना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर राम बनेंगे तो हमें 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा, ठीक है, वो काटना कोई चाहता नहीं है। तो कृष्ण अगर बनना होगा तो हमें विरह झेलना पड़ेगा, वो कोई झेलना चाहता नहीं है। जीवन को आसान बनाने के चक्कर में मनुष्य जो है अपने जीवन को और भी जटिल बनाता चला जा रहा है। तो इससे अगर हमने प्रेम को सुधार लिया, प्रेम को अगर पवित्र रखा, प्रेम को शुद्ध रखा, तो आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, आने वाला जो सिस्टम है, तो वो मेरा बहुत ही बढ़िया बना रहेगा। नहीं तो जो आजकल ये घटनाएं हो रही हैं प्रेम को लेकर, तो आने वाले समय में हमारे मानव जीवन के, मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। तो इससे हमें सुधारना पड़ेगा। तो इसको सुधारने के, इस पर आप कम सुधारने की कोशिश कीजिएगा और भावातीत ध्यान कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, तो आपके हृदय में जो पवित्र प्रेम है, ईश्वर के करीब जाने वाला जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, वो उसके अंकुर आपके अंकुरित होंगे भावातीत ध्यान से। उसका डेली आप इसका अभ्यास कीजिएगा 10-15 से 20 मिनट तक का, उसे आप सीखिए और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, चाहे आपके जीवन की किसी भी समस्या से संबंधित हो। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।